एक बड़े विद्रोह की जरूरत है समाज में, जनता क्रांति की जरूरत है। अब कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक जिहाद। इन लंका को बिना जलाए आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, ना बेटी ना बहन ना आम आदमी। इन माफियाओं के चंगुल में, इन माफियाओं के दंगल में लोग फंस चुके हैं। ये जो दंगल है ना, जमीन के माफियाओं का, एजुकेशन का, हेल्थ का, बालू का और अपराधी का, और ये दबंगों का, ये दंगल है इन लोग। और इन दंगलों में पूरी सियासत फंसी हुई, और ये सियासत कंप्लीट डिपेंडेबल है इन अपराधी और माफिया दलालों के पैसे पर, इनकी ताकत पर, इनके रसूख पर, क्योंकि ये लोग जात के आइकॉन बन गए। अब नेताओं को लगता है वोट हमें इसी से मिलना है, इसलिए ये जिंदा रहे, ये इंजॉय करे, और उसको कोई पूछने वाला नहीं, आराम से जेल से निकलते हैं। लेकिन ऐसे लाखों मासूम का क्या होगा? निश्चित रूप से मैं इस बच्चे को नौकरी के लिए भरपूर प्रयास करूंगा हर परिस्थिति में, और मेरी ओर से यदि सरकारी नौकरी बाय दी वे मैं नहीं लगा पाया तो प्राइवेट नौकरी मैं बीएड करा करके इस बच्ची को कोशिश करूंगा कि इसको हर परिस्थिति। मैं बात करता हूं और अविलंब मैं बीएड कराने की कोशिश करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और बीएड करा के कोशिश करेंगे कि किसी न किसी स्कूल के टीचर हों, ताकि अपने दोनों बच्चे का परवरिश कर सके, जितनी मदद हो सकती हो। बात रही उस अपराधियों की, तो वो पप्पू यादव का गुनाहगार बन चुका है, उसको माफ इस धरती पर नहीं मिलेगा।